Hi guys, welcome back to my channel Lavish and Modest. I am Khushbu. So, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ फूड चैलेंज. लाइक इस लॉकडाउन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन माई यूट्यूब चैनल मैं करने जा रही हूँ फूड चैलेंज. वो भी इस लॉकडाउन में. मेरी बुद्धि देखो, सब कुछ मुझे इस लॉकडाउन में ही करना था. सो या मैं करने जा रही हूँ फूड चैलेंज विच इज़ ए टू जेड फूड चैलेंज डेट इज़ कॉल्ड आई ओनली एट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यानी कि जो भी मुझे खाना है वो ए टू जेड करके ही खाना है, ए बी सी डी करके खाना है. आई डोंट नो व्हाई बट मैं ये चैलेंज कर रही हूँ ऑफकोर्स आप लोगों के लिए कि आप लोग इंटरटेन हो. एंड आप लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है आज के इस वीडियो में. बट मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी एक एक आइटम ढूंढने के लिए बिकॉज इस चैलेंज के शुरू होने से पहले मुझे ये पता है कि ये चैलेंज थोड़ा टफ होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरनाक लेटर्स आते हैं बीच बीच में जिनके लिए मेरे पास कोई फूड आइटम नहीं है. सो गाइज, फॉर द वेरी फर्स्ट लेटर विच इज ए, आई हैव दिस आलू भुजिया. मेरे घर पे यही अवेलेबल है. एंड आई डोंट नो कि मैं चैलेंज कैसे कम्प्लीट करूँगी बिकॉज इस क्वारंटाइन पीरियड में ईजली डेली राशन अवेलेबल हो जाए वही बहुत है. और जिसमें मैं ये चैलेंज कर रही हूँ, आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग दिस बट क्वारंटाइन है, कुछ तो करना ही है. तो लेट्स सी. और इस चैलेंज की स्टार्टिंग में मुझे पता है कि मैं किन किन लेटर से हारने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट नो कि वो लेटर्स मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. बट जस्ट देखते हैं क्या होता है. पर इसमें हाँ मज़ा बहुत आने वाला है आप लोगों को बिकॉज मैं एक एक फूड आइटम के लिए ऐसे भागने वाली हूँ ना. तो बी के लिए मेरे पास है ये बिंगो टेढ़े मेढ़े एंड बी से इसे खाऊंगे. होपफुली मेरे पास था और मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी चैलेंज करो तो बिल्कुल नहीं बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कोरोना बढ़ चुका है और मैंने चाहते कि मुझ पे या मेरी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम्स है. थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ. बट चैलेंज मैं कंप्लीट करूँगा. दो तीन लेटर का मुझे टेंशन है. लेट्स सी क्या करते हैं. आई लव दिस. चाय मिल जाती है ना, अब मैं मिलती हूँ आपसे सी पे. तब तक के लिए बाय. सो गाइस, लेटर सी के लिए मेरे पास है ये है कुकुम्बर, जिसे खीरा भी बोलते हैं. एंड इंग्लिश में कुकुम्बर बोलते हैं तो सी से स्टार्ट होता है. एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं अपना मेकअप में क्या कर रही हूँ फूड चैलेंज होगी, तो मैंने अभी दिशा पटानी इंस्पायर्ड मेकअप लुक किया है. अगर वो वीडियो पहले जाएगा तो मैं लिंक दे दूँगा आई बटन पर. बाद में जाएगा तब भी बाद में ऐड तो कर ही सकती हूँ ना. तो अब देख सकते हो दिस इज़ गुड फॉर योर हेल्थ स्पेशली इन दिस समर. दिस इज वेरी गुड एंड मुझे पसंद भी है. सो सी इज डन. तीन लेटर हम लोगों ने कंप्लीट. सो गाइस, सी को खत्म करने के बाद बारी आती है लेटर डी की. एंड डी के लिए मेरे पास है ये डेरी मिल्क चॉकलेट, तो मैं इसे ही खाऊंगी. एंड डी के लिए और मेरे पास कुछ है नहीं. अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या खाऊं. सो डेरी मिल्क चॉकलेट जो कि मेल्ट हो गई है. सो गाइस, डी को चेक करने के बाद बारी आती है ई की. एंड ई के लिए हम क्या खाएंगे, हम खाएंगे इलायची क्योंकि यही मेरे घर पे है. सो यही से खाते हैं. दिख रही है इलायची तो खानी चाहिए यार, वेट लॉस भी होता है.
सो गाइस ये तक तो सब कुछ स्मूथली चला है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझे डर लग रहा है, एक्चुअली खतरनाक वाला डर लग रहा है लेटर एन से, क्यू से, एक्स से, वाई से, यू से एंड जेड से। ये ऐसे लेटर हैं जिनके बारे में मेरे दिमाग में इस बुद्धि में कुछ आ ही नहीं रहा है कि मैं क्या ढूंढूं, क्या खाऊं। और सीरियसली मैंने सर खपा लिया तब से, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है, ना ही याद आ रहा। देखते हैं मैं हार ना जाऊं यार, एंड मुझे हारना नहीं है, मुझे ये जीतना है। मोदी जी ने कहा है कोरोना से जीत लेनी है, तो या इस कोरोना के लॉकडाउन में जब मैं चैलेंज कर रही हूँ, सो मुझे चैलेंज जीत लेनी है। एफ से मेरे पास है ये फिज, सो मेरे पास ये फिज थी, मैंने सोचा कि इसे यूज़ करना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने फिर से क्यों चेंज कर लिया या मुझे कपड़े चेंज करने का शौक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जस्ट अभी एक वीडियो शूट किया है DIY फेस वॉश की, लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे, तो आप लोग देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। सो एफ, अब एफ के बाद आएगा जी, GHIJ। चलते हैं जी। सो गाइस नेक्स्ट लेटर है हमारा जी, एंड जी के लिए मेरे पास है ये ग्लूकॉन डी, और इसे मैं पानी में डाल के पी रही हूँ। वाओ, पानी में डाल के तो पीते हैं, सो सिली आया। और ऐसे मेरे पास है ये हाजमोला, जो कि मेरे पास काफ़ी टाइम से था, मेरे पर्स में रहता हाजमोला। सो चलो एच भी डन हो गया, अब मैं मिलूँगी आप लोगों, बहुत खट्टा है, मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ी देर बाद, बिकॉज मुझे एडिट करना है फेस वॉश वाला वीडियो, जो कि मैंने अभी शूट किया है, इसे मैं अभी फटाफट से एडिट मारूँगी, एडिट करके अपलोड करूंगी, ताकि आप लोग फटाफट से देख पाओ और फेस वॉश लेने बाहर ना जाओ। सो मिलती हूँ आई पे। तो गाइस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था एच तक, एच के बाद बारी आती है आई की, एंड आई से मेरे पास है ये इंडिया की चिक्की, ये पीनट जैगरी चिक्की है, और ये आई से स्टार्ट है, तो मैं इसे ही ले रही हूँ। एंड लकली ये मेरी मम्मी के पास थी, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है चिक्की। सो गाइस आई के बाद आता है जे, एंड जे से हमारे पास है ये जलजीरा, सो ये जलजीरा मैं पीऊंगी जे से। जलजीरा कौन पीता है। सो गाइस अब बारी है मेरे फेवरेट लेटर की, विच इज के, जिससे मेरा नाम स्टार्ट होता है। तो के से मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय इस चॉकलेट के, जो कि है किसमी चॉकलेट, तो मैं इसे जल्दी से खा के अपना के लेटर कंप्लीट करूंगी। के भी कंप्लीट हो गया, के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन। सो एल से ऑब्वियसली मैं ये खाऊंगी, जो कि है ये लेमन सूखा हुआ है, मैं बहुत थोड़ा सा खाऊंगी, एक्चुअली आई लाइक लेमन।
सो एम से मेरे पास है ये मेलोडी टॉफी, टॉफी चॉकलेट पे गुजारा हो रहा है एंड थैंकफुली ये है मेरे पास, बिकॉज मेरे घर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सब कुछ उन लोगों के लिए रखना पड़ता जो कि मैं खुद भी खा रही हूँ रखा उन लोगों के लिए खा मैं खुद ही रही हूँ। आई मीन जॉन एंड एंड से मेरे पास पता कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत ढूंढना पड़ेगा, देखता हूँ क्या मिलता है। सो गाइस मैंने एन से बहुत ढूंढा बट मुझे कुछ नहीं मिला, और ना ही मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा था जो घर में हो। फिर फाइनली मेरे दिमाग की घंटी बजी जो कि सिर्फ एन मोमेंट पे ही बजती है, और मुझे याद आया मेरे घर में ये है कलौंजी, जिसे इंग्लिश में नाइगेला या फिर नाइजेला जो भी आप प्रोनाउंस करते हो वो बोलते हैं। सो अपना चैलेंज कंप्लीट करना इसलिए मैं इसे खा रही हूँ। एंड ये सब्जी अब्जी में यूज़ होते हैं, अजीब ही टेस्ट है, कोई टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है, कड़वा ना। ओ से मेरे पास है ये ऑरेंज जो कि घर में थे, वो भी कंप्लीट हुआ थैंकफुली। अब पी की वो आर एस की, अब बारी लेटर पी की, एंड पी से मेरे पास है ये पॉपिंस, अगेन यसु यसी के छीन के खा रही हूँ। सो ये पॉपिंस से पी का काम तो चल गया, पी के बाद है ओ पी क्यू, क्यू क्यू से तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, या क्यू से मेरे पास कुछ है नहीं। सो गाइस क्यू से मेरे पास है किनोवा, किनोवा जो भी आप लोग प्रोनाउंस करते हो, मैं थोड़ा सा इसे ऐसे कच्चा खा लूँ, पकाने के लिए टाइम तो है नहीं, बट मुझे कंप्लीट करना है। सो आर से मैं खा रही हूँ ये रेजिन, गुड फॉर हेल्थ। सो एस से आई है शुगर, क्योंकि और कुछ था नहीं तो मैं शुगर ले रही हूँ। एफ टी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सेवन लेटर्स अभी और। सो टी से मेरे पास है ये थम्सअप, थम्सअप मुझे पसंद है। सो गाइस यू से मेरे पास है ये जो कि मुझे बहुत खोज करने से मिला है, मैंने अपने घर में हर जगह से ढूंढा फिर जाके मुझे ये मिला, ये है यूनिबिक कुकीज। सो यू से मेरा लेटर कंप्लीट हो गया, अब वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड इसकी मुझे चिंता है, ये शुगर फ्री वाली है। सो गाइस हम लोग ने यू कंप्लीट कर लिया, यू के बाद बारी है वी की, अब वी से मेरे पास है ये वर्मीसिली जिसे मैं ऐसे ही खाऊंगी अगेन, क्योंकि आई हैव नो टाइम टू कुक। अरे यार मुझसे कोई पैकेट क्यों नहीं फट रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं कच्ची मैगी भी खाती हूँ ना, आप में से कौन कौन कच्ची मैगी खाता है कमेंट करके बताओ। तो वी के बाद आता है डब्ल्यू, डब्ल्यू से है ये मेरे पास वॉलनट, डब्ल्यू में से तोड़ लूँ फिर मैं इसे खाती हूँ। सो गाइस डब्ल्यू से वॉलनट, आई एम सॉरी आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं, मेरे घर के नहीं दूसरों के घर के, मैं मना नहीं कर सकती, सो बेयर विथ मी। सो गाइस अब बारी है एक्स की जो कि सबसे खतरनाक लेटर था, बट फॉर्चुनेटली मुझे मिल गया एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये मेरा फेवरेट है, ये है जिगुआ या फिर जो भी आप लोग प्रोनाउंस करते हो। तो बेसिकली ये तरबूज है और हमारे कानपुर में तो इसे कलिंदा बोलते हैं, बट इंटरनेट पे इसे आई डोंट नो वाई जिगुआ बोलते हैं। सो कानपुर वाले जितने भी हैं लाइक करो और बताओ कि ये वाकई में
कलिंगा बोला जाता है कानपुर में या नहीं, और किस किस को ये पसंद है, बिकॉज मुझे तो बहुत पसंद है। सो मैं इसे जल्दी से कट करवा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, कटने के बाद ये कुछ ऐसा है, एंड इसे मैं थोड़ा सा अभी आप लोगों के सामने खाई दे रही हूँ, बाद में अच्छे से खाऊंगी। मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है, इतना पसंद है ना कि मुझे पूरा दिन कोई ये खिला, मैं पूरा दिन विदाउट कंप्लेन उसे खा सकती हूँ। आई लव दिस एक्स से जिगुआ, डन। अब वाई जेड, दो लेटर, यस दो लेटर कंप्लीट कर लूँ बस। सो वाई से मेरे पास है ये योगर्ट, जो कि घर पे मेरी मम्मी ने बनाया। सो नेक्स्ट एंड लास्ट लेटर हमारे इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर फूड चैलेंज का, वो है जेड, एंड जेड से मेरे पास है ये है जू, इस पर जू लिखा हुआ, जेड से स्टार्ट है, बट ये लेसी ब्रांड का है। सो आप लोग इसे कंसीडर करोगे या नहीं आई डोंट नो, बट मेरे पास जो जेड से है वो मैं इसे इस चैलेंज भी लेके कम्पीट कर रही हूँ, बाकी आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड ये मेरी यशी का है, सो मैंने उसे यशी से लिया है, और इसे मैं बस थोड़ा सा ही खा के उसे वापस कर दूंगी। तो देख सकते हो, इट्स गुड। और ये मेरे पास ही खड़ी है, हाय बोलो सबको, लो। सो या गाइस, मेरा चैलेंज होता है कंप्लीट, और बस यही था आज का वीडियो। अगर कोई गलती हुई हो या आप लोगों को कुछ सही गलत जो भी लगा हो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आपको मज़ा आया या नहीं ये भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। सो गाइज, मैं मिलूँगी आपसे अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए, घर पर रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। आपसे मिलती हूँ।